उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना गलशहीद में दो महिलाओं द्वारा एक चूड़े कारोबारी को अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर 70,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना गलशहीद पुलिस के साथ साथ एसएसपी मुरादाबाद अमित पाठक भी मौके पर पहुंच गए। एसएसपी ने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द पता लगाकर बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर आईजी ने अपराधियों की धरपकड़ में अच्छी सफलता के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें ग्वालियर आईजी ने कहा कि जब तक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ में उतनी अच्छी तरह सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। ये पश्चिमी तरफ से मध्य प्रदेश का एंट्री पॉइंट है, ये ग्वालियर चंबल संभाग। तो जब तक हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तब तक हमें अपराधियों पे अपराध नियंत्रण पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। फिर एक रिट दायर की गई है माननीय उच्च न्यायालय में 5718/16, ताकि जो इंटर स्टेट अपराधी हैं उन पे लगातार पेट्रोलिंग की जाए, मॉनिटरिंग की जाए। उसके मद्देनज़र ये मीटिंग थी। बहुत सारी अच्छी बातें इसमें डिसाइड हुई कि हर एसपी ऑफिस में एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सेल बनेगा, जिसमें डाटा मेंटेन होगा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के जो भी बिंदु हैं उन पे। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, इसका पूरे तीनों स्टेट के जो अधिकारी हैं, तीनों जिले हैं उनका, पुलिस अधीक्षक, DIG और SP का। फिर SP शिवपुर ने चंबल रिवर पेट्रोलिंग का भी सुझाव दिया। फिर वारंटियों का जो एक्सचेंज है, अपराधियों का एक्सचेंज है, जैसे मान लीजिए जेल रिहाई होती है। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा आज लखनऊ के आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश के सामने कर्मचारियों द्वारा व अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उपस्थित सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए इस समस्या को बहाल करने को कहा गया। लोगों का धरना प्रदर्शन दिनांक 30 से चल रहा है। पहले हर जिले में अभी तक चल रहा था शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। कल हमने आप लोगों के सहयोग से प्रेस किया प्रेस क्लब, आज रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। जो आप लोग, हमारी मुख्य डिमांड है 50 जिला सहकारी बैंक, एक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिसका विलय कराना बहुत आवश्यक है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है। लेकिन विभाग के कुछ अधिकारी जानबूझ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नव निर्वाचित सांसद नीरज शेखर ने कहा कि हमारे लिए राजनीति सेवा है, बलिया के सम्मान के लिए मेरा जीवन हमेशा के लिए समर्पित है। अगर बलिया के सम्मान में कोई भी कमी दिखी तो मेरा राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आज मुझे लग रहा है कि भाजपा में ईमानदार कार्यकर्ताओं की कद्र है, इसी बात से प्रेरित होकर मैं भाजपा में शामिल हुआ। नीरज ने बरैया विधायक सुरेंद्र सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वह कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ही कड़े तेवर दिखाते हैं, वास्तव में इनकी भावना किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती। अगर ये मंत्री बने तो मुझे ही नहीं बलिया व बरैया के लोगों को भी प्रसन्नता होगी। इस पर विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि नीरज शेखर ने बलिया में राजनीति की उत्कृष्टता को कायम रखा है। राजनीति में काम करते हुए अपने दामन को बेदाग रखना आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने राजनीति की पवित्रता को कायम रखा है।